हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज मैं एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम बॉयबैंड सीरीज़ है। ये एक थाई बीएल सीरीज़ है जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही अभी तक रिलीज़ किया गया है। इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में हम कुछ रिपोर्टर्स को देखते हैं। ये सब एक बॉय बैंड VR1 ग्रुप का बात कर रहे होते हैं। ये ग्रुप 6 मेंबर पर बेस है और इस ग्रुप का फर्स्ट कॉन्सर्ट होने वाला है और जितने भी फैंस हैं वो सब इस कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। तभी हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम जुजू होता है और ये हमारा फर्स्ट मेन लीड है। और जुजू VR1 ग्रुप का एक मेंबर है और उसके मेकअप आर्टिस्ट तारीफ कर रहा होता है कि वो अभी बहुत हैंडसम लग रहा है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है जिसका नाम मेदामे पॉली होता है और वो भी उसके लुक्स को देख कर तारीफ करता है और जुजू से इस ग्रुप के मेम्बर टॉप के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो अभी तक वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और हम टॉप को देखते हैं जो अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए लेट हो गया होता है और ये हमारा फर्स्ट मेन लीड है और ये कॉन्सर्ट हाफ एन आवर में स्टार्ट होने वाला होता है। और जैसे ही टॉप बाइक से वहाँ पर पहुँचता है तो जितने भी फैंस होते हैं वो टॉप को देखकर पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर टॉप भागने लगता है और जैसे भी करके फैंस के बीच से निकलने में कामयाब हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर पॉली टॉप के लिए परेशान हो रही होती है। तभी टॉप वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सब इस कॉन्सर्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और नेक्स्ट सीन हमें 1 ईयर पहले का दिखाया जाता है और हम टॉप को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा होता है और इन सबको फाइट करते हुए पब्लिक देख रहे होते हैं। और उन पब्लिक के बीच में से पॉली टॉप को नोटिस कर रहा होता है और कहता है कि वो फाइनली अपने बॉय बैंड के लिए एक मेंबर को ढूंढ लिया है। और इसके बाद जब टॉप अपने एलिफेंट को नहा रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी टॉप से कह रहा होता है कि वो सबका बहुत से ड्रीम है जिसमें बॉक्सिंग, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह है और इन्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए और अब इन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तभी ये दोनों हैंडशेक करते हैं और हम उस आदमी को थम्सअप वाला सिग्नल पॉल को देते हुए देखते हैं। और जब रात हो जाती है तो टॉप एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइमर होता है और वहाँ पर टॉप कस्टमर को सर्व करते हुए साथ में अपना डांसिंग टैलेंट सबको शो कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉली आता है और टॉप को अपने बारे में बताता है कि वो मैडमी पॉली है और वो अपने न्यू बॉय बैंड के लिए न्यू आर्टिस्ट सर्च कर रहा है और टॉप को अपना बिजनेस कार्ड देता है। और इसके बाद पॉली लंच करते हुए टॉप से पूछ रहा होता है कि वो आर्टिस्ट बनने के लिए रेडी है या नहीं और कहता है कि वो टैलेंटेड है और गुड लुकिंग भी है, तो वो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस रेस्टोरेंट में। तो टॉप साफ साफ पॉली के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो पॉली समझाता है कि वो फ्री में कुछ नहीं कर रहा है, जो वो हर मंथ यहाँ पर 1 घंटा काम करके अर्न करता है, इसके बदले वो एक दिन पूरे मार्केट को खरीदने के काबिल रहेगा। तभी वहाँ पर इस रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और टॉप को बोलता है कि पॉली का बात सुन लेने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम 1 साल पहले वाला जुजू को देखते हैं जो अच्छे से रेडी होकर ऑडिशन देने जा रहा होता है और टॉप भी ऑडिशन देने के लिए पैदल जा रहा होता है। तभी रास्ते में टॉप का बैग एक कार के मिरर में फंस जाता है, जिस वजह से बैग उस कार के साथ आगे निकल जाता है और टॉप अपने बैग को लेने के लिए पीछा कर रहा होता है। और जब जुजू अपने कार को पार्क करके जा रहा होता है तभी वहाँ पर टॉप आता है, क्योंकि जुजू का ही कार टॉप के बैग को अपने साथ ले जाती है। और टॉप जुजू से उसकी कार के बारे में पूछता है कि उसके कार कहाँ पर है, तो वो बोलता है कि कार पार्किंग एरिया में है। तो टॉप उसके कार के पास जाकर अपना बैग लेकर वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर जुजू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद जब टॉप ऑडिशन वाले जगह पर पहुँच जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन लाइन में लग जाता है और वहाँ पर हम जुजू को भी देखते हैं। तभी अनाउंस किया जाता है कि ऑडिशन 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद जब ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर पॉली आता है और एक अजीब सा आवाज़ निकाल कर माइक टेस्ट करता है और सबको वर्ल्ड स्टार में स्वागत करता है और अपने कंपनी के बारे में कुछ इंट्रो देता है, जैसे कि ये कंपनी इन सब के टैलेंट को डेवलप करेंगे और ये कंपनी इन सबको वर्ल्ड क्लास बॉय बैंड में टर्न करेगी। और इसके बाद पॉली स्टेज पर लेडी सिरेना को आने के बोलती है और जब वो वहाँ पर आ जाती है तो इन सब से कहती है कि वो ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ रही है जो काफ़ी टैलेंटेड हो और अपने लाइफ को आर्टिस्ट बनने के लिए गिव अप करे और वो सिर्फ इन में से 6 लोगों को ही सिलेक्ट करेगी और इन सबको अपना इंट्रो देती है और अपने आप को एंजल और डेमन बताती है और कहती है कि वो इन में से कई को ड्रीम अचीव करने में हेल्प करेगी तो कितने की ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि जिनके पास टैलेंट की कमी हो उन सबको सिलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो इस वर्ल्ड स्टार कंपनी की CEO है। और इसके बाद जब ऑडिशन स्टार्ट हो जाती है तभी लेडी सेरिना 2 लड़कों के ऑडिशन को देखकर रोकते हुए कहती है
कि वो दोनों ज़्यादा थके हुए हैं या इनके डांस में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, और यही सब कहते हुए काफ़ी बेइज्जती करती है और सबसे कहती है कि जिसको भी लगता है कि वो बेटर नहीं कर सकता है तो यहाँ से बाहर चले जाए। और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो गिव अप करके चले जाते हैं। और फिर से ऑडिशन स्टार्ट किया जाता है और इस बार जुजू का टर्न होता है और वो सिंगिंग और डांसिंग कर रहा होता है। और जब सेरिना जुजू को परफॉर्मेंस को देखकर अपना पॉइंट देती है कि वो अच्छा किया, पर उसके गाने का ट्यून में थोड़ी सी गड़बड़ी है, पर फिर भी वो इसे पास कर देती है। और जुजू के बाद टॉप का टर्न होता है तो सेरिना अपने पॉली से कहती है कि ये लास्ट है जिसे पॉल सेलेक्ट किया है इस बॉय बैंड के लिए। और ये कहते हुए सेरिना टॉप के फॉर्म को देखती है और उससे पूछती है कि वो पहले कोरिया में आर्टिस्ट ट्रेनिंग हुआ करता था, तो टॉप हाँ कहता है। तभी टॉप को याद आता है कि जब वो कोरिया में था तो वो डांस ट्रेनिंग करवाता था। तभी एक दिन उसकी मदर कॉल करके थाईलैंड वापस आने के लिए बोलती है क्योंकि उसके मदर के पाँव में काफ़ी हर्ट हो गया होता है। और इसके बाद प्रेजेंट टाइम में टॉप परफॉर्म कर लेता है तो टॉप से सेरिना उसके बारे में पूछती है कि वो अभी तक अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो वो बोलता है कि वो अयोध्या में काम करता है, जैसे कि वो स्वॉर्ड फाइटर है और एलिफेंट केयर टेकर है और एक रेस्टोरेंट में भी वेटर का जॉब करता है। तो सेरिना इसके बोलने के अंदाज से खुश नहीं होती है और इसके लहजे पर कमेंट करती है। और सेरिना पॉली से कहती है कि क्या उसे क्लियर और अनक्लियर बोलने वाले लोगों में फ़र्क नहीं मालूम है। तो पॉली कहता है कि वो कुछ बुरा तो नहीं बोल रहा है। तो सेरिना कहती है कि वो कुछ क्लियर तौर पर नहीं कह रहा है और ये एक बिग इशू है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर टॉप कहता है कि वो ट्राई करेगा अपने अंदर करेक्शन लाने के लिए। तो सेरिना उसे पूछती है कि वो किस तरह से कोशिश करेगा, पर फिर भी टॉप कुछ क्लियर आंसर नहीं देता है। तो सेरिना उसे कहती है कि वो कभी भी कोशिश नहीं कर सकता है और ना ही वो अपनी पूरी लाइफ में वेट करेगी, और कहती है कि मैटर नहीं करता है कि वो अपने अंदर करेक्शन लाने के लिए वो क्या करेगा और क्या गिव अप करेगा। और उसे पूछती है कि अगर वो आर्टिस्ट नहीं बन पाता है तो क्या वो अपने ओल्ड लाइफ में वापस चले जाएगा। तो यहाँ पर टॉप मे बी कहकर आंसर देता है। तो ये सुनकर सेरिना उसे अपने ओल्ड लाइफ में वापस जाने को बोल देती है और कहती है कि अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी। और सबको बोलती है कि अगर ये सब आर्टिस्ट बनना हल्के में ले रहा है तो वो सब यहाँ से जा सकता है। और सबको बाहर का रास्ता दिखाते हुए जाने को बोलती है और कहती है कि जो भी पर्सन आर्टिस्ट बनने आता है तो वो अपना हर एक चीज़ को गिव अप करके हार्ड ट्रेनिंग करता है सिर्फ आर्टिस्ट बनने के लिए। और यही सब कहकर फिर से सेरिना सबको बाहर का रास्ता दिखाती है। और नेक्स्ट सीन में जब टॉप वॉशरूम में होता है तो वहाँ पर जुजू आता है और टॉप से सुबह वाला इंसिडेंट के लिए सॉरी कहता है और हंसते हुए टॉप के बिहेवियर के ऊपर टोन करता है और बोलता है कि लेडी सेरिना का एयर शार्प है और वो हर एक आउट ऑफ टून को डिटेक्ट कर लेती है। तो टॉप बोलता है कि उसका परफॉर्मेंस जुजू के सिंगिंग से तो बेहतर ही था और किसी के सिंगिंग को सुनने के लिए शार्प एयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जुजू को ये अच्छा नहीं लगता है और बोलता है कि वो डेब्यू नहीं कर सकेगा और जब टॉप ट्रेनिंग में फेल हो जाएगा तो वो वापस एलिफेंट को देखभाल करने के लिए चले जाएगा। तो टॉप ये सुनकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है और जुजू से कहता है कि अगर वो कुछ नहीं जानता है तो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो जुजू टॉप से कहता है कि वो अपने बारे में बता सकता है और वो रेडी है उसके बारे में जानने के लिए, पर टॉप कुछ नहीं बोलता है और यहाँ से चले जाता है। तभी वॉशरूम में जुजू से कोई टिश्यू पेपर मांगता है तो जुजू उसे टिश्यू पेपर दे देता है। और जब वो लड़का बाहर आता है तो जुजू से थैंक्स के बहाने अपना हैंड उसके शर्ट में पोंछ लेता है। और इसके बाद कुछ बॉयज़ को देखते हैं, वो सब वहाँ के ट्रेनिंग टीचर के पास आकर उनसे एज पूछता है और वो टीचर अपना एज बताते हुए उन सबका नाम पूछते हैं। और नेक्स्ट सीन में 20 फाइनलिस्ट मेंबर का नाम अनाउंस किया जाता है जिसमें से टॉप और जुजू का भी नाम अनाउंस किया जाता है। और यहाँ पर सेरिना इन सबको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताती है कि इन सब का ट्रेनिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा और ये मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से लेकर 6 बजे तक करवाया जाएगा और ये सब सिर्फ सैटरडे एंड संडे को फ्री रहेंगे। और कहती है कि सेरिना हर एक मेंबर के डेवलपमेंट को नोटिस करेगी जिससे ये डिसाइड कर सके कि इनमें से कौन बॉय बैंड में आने का काबिल हो जो सिर्फ 6 मेंबर पर बेस होगा। और इसके बाद जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब सेरिना से क्वेश्चन करते हैं जिसमें से सेरिना से पूछा जाता है कि वो सब इस ट्रेनिंग के लिए कितना पे करेंगे। तो सेरिना कहती है कि इन सबको किसी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे सुनकर सब शॉक में होते हैं। और सेरिना एक इम्पॉर्टेंट रूल बताती है
कि इस वर्ल्ड स्टार में किसी भी आर्टिस्ट को ये सब रोमांटिक रिलेशनशिप करने को अलाउ नहीं करती है, और ये कहते हुए सबको जाने को बोल देती है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।